एंगुलर थ्योरी ऑफ लव बाय रॉबर्ट स्टेनबर्ग्स। दोस्तों 2004 में रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने लव की एक ट्राई एंगुलर थ्योरी दी थी, जिसमें उसने लव के बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स बताए थे। स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग लव के ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे लव की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इन तीन कंपोनेंट्स को अच्छे से जान ले तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी लाइफ में लव के ड्यूरेशन के दौरान किन चीजों की जरूरत होती है, कहां पे हमने अपने रिलेशन को स्टॉप करना होता है। तो इसने यहाँ पे थ्री बेसिक कंपोनेंट्स बताए हैं और ये थ्री बेसिक कंपोनेंट्स इंटीमेसी है, पैशन एंड नंबर थ्री कमिटमेंट। इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोजनेस, सपोर्टिंग वन अनदर, शेयरिंग विद वन अनदर एंड फीलिंग लव्ड। यानी इंटीमेसी का मतलब है आप किसी रिलेशन में क्लोजनेस फील करते हो, आप एक दूसरे को हर चीज बताते हो, अपने बारे में एक एक चीज शेयर करती हैं और लव की फीलिंग्स को वहां पे शो करते हो। नंबर टू पैशन। पैशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अराउजर एंड अट्रैक्शन एंड यूफोरिया। दिस इज व्हाट ड्राइव्स टू इंडिविजुअल्स टुगेदर। पैशन का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के जो है मध्य मुकाबल सेक्सुअल अराउजल की फीलिंग्स को महसूस करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन को फील करते हैं और इन फीलिंग्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो जाते हो, यानी बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हो। नंबर थ्री कमिटमेंट। The desire to remain loyal to another person and stay in a long-term relationship. Commitment का मतलब होता है कि आप एक दूसरे से वादा कर लेते हो कि अब हम इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा देर तक लेके चलेंगे, एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे से वफादार रहेंगे, लॉयल रहेंगे। तो ये तीन फीलिंग्स हो गई, यानी इंटीमेसी यानी क्लोजनेस, पैशन मीन्स सेक्शुअल अराउजल एंड कमिटमेंट मीन्स टू रिमेन लॉयल। तो इस तीनों फीलिंग्स को आप अपने जहन में रखिएगा। आप स्टेनबर्ग का कहना है कि यही तीन फीलिंग्स ही बाद में कंबाइन होके सेवन टाइप्स ऑफ लव की फीलिंग्स को जनरेट करती है, इसीलिए इस थ्योरी को ट्राइएंगुलर थ्योरी ऑफ लव भी कहते हैं। यानी ये तीन कंपोनेंट्स मिलके लव की अदर फीलिंग्स यानी टाइप्स को बनाती हैं। अब ये सेवन टाइप्स कौन सी हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि आज की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है और हमें आइडिया भी नहीं होता। तो सबसे पहली जो टाइप है लाइकिंग आर फ्रेंडशिप। दिस रिप्रेजेंट्स आ फ्रेंडशिप वेयर देयर इज अ क्लोजनेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट देयर इज नॉट एनी पैशन आर कमिटमेंट। यानी ये लव की वो फीलिंग है जिसमें जस्ट आप इंटीमेसी की फीलिंग्स होती है लेकिन इसमें पैशन और कमिटमेंट की फीलिंग्स नहीं होती। यानी क्लोजनेस रिलेशनशिप में होती है लेकिन ना ही कोई सेक्सुअल अराउजल, ना ही कोई अट्रैक्शन होती है और ना ही आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं, जस्ट एक क्लोजनेस का बॉन्ड होता है। नंबर टू इनफैटुएशन आर लाइम रेंस। दिस इज व्हाट अ पर्सन फील्स व्हेन ही आर शी एक्सपीरियंस लव एट फर्स्ट साइट। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी को भी देखते हो तो आपको महसूस होता है कि यार मुझे एक ही नज़र में प्यार हो गया, यानी जिसे आप लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। अब इनफैटुएशन और लाइम रेंस ये भी बेसिकली इसमें पैशन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, यानी क्लोजनेस आप दोनों के दरमियान नहीं है, जस्ट आपने उसको देखा, एक अट्रैक्शन की फीलिंग जनरेट हुई और इसमें आपने एक दूसरे से कमेंट वेट में ही नहीं की। तो इसमें जो यहाँ पे फीलिंग्स वर्क कर रही है उसे हम जो है इंटीमेसी की फीलिंग कहेंगे, ना ही इसमें पैशन आ रहा है ना ही कमेंट वेट आ रही है। नंबर थ्री एम्प्टी लव। एम्प्टी लव जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आपका एक रिलेशन बन चुका है, अब उस रिलेशन में ना ही आप एक दूसरे के साथ क्लोज हो और ना ही सेक्सुअल अराउजल या अट्रैक्शन की कोई फीलिंग जनरेट हो रही है, जस्ट एक बॉन्ड बन चुका है और उसमें आपने कमिटमेंट किया है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाना है। यानी इसमें जस्ट कमिटमेंट की फीलिंग आती है, ना ही इसमें इंटीमेसी है और ना ही पैशन की फीलिंग होती है। नंबर फोर रोमांटिक लव। रोमांटिक लव जैसा कि नाम से जाहिर है कि अगर आप इसको माइंड में सोचें तो रोमांटिक लव्स मींस फीचर्स ऑफ इंटीमेसी एंड पैशंस
meaning there is a sexual arousal and emotional bond, but there is a lack of commitment. यानी इसमें passion की feeling है, यानी एक दूसरे के आप against sexual arousal feel करते हो, sexually भी intimate होते हो, और intimacy की feeling भी है, यानी closeness भी है, लेकिन इसमें commitment नहीं है, यानी आप उस relationship को ज़्यादातर आगे लेके नहीं जाना चाहते। नंबर 5, कंपेनियंट लव। कंपेनियंट का मतलब नाम से भी ये भी जाहिर है कि यानी एक दोस्ताना माहौल में एक फैमिली मेंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, यानी दिस इज अ टाइप ऑफ लव वेयर पैशन डज नॉट एग्जिस्ट आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट बट देयर इज स्टिल अ ग्रेट कमिटमेंट एंड डीप अफेक्शन फॉर वन अनदर। यानी इसमें सेक्सुअल अराउजल की फीलिंग्स नहीं होती, लव वो वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन इसमें एक दूसरे के साथ क्लोजनेस भी होती है और कमिटमेंट भी होती है कि इस रिलेशनशिप को हमने हमेशा बरकरार रखना है। मोस्टली इस तरह का जो लव होता है वो फैमिली मेंबर्स के दरमियान होता है, क्लोज फ्रेंड्स के दरमियान होता है, और इवन कुछ मैरिजेज होती हैं उसमें भी ये पाया जाता है। नंबर 6 है फैचुअस लव। फैचुअस, जैसे कि हमने इनफैचुएशन और अब पढ़ा है हमने फैचुअस लव, दिस इज अ टाइप ऑफ लव दैट ओनली फीचर्स पैशन एंड कमिटमेंट। यानी इसमें क्लोजनेस की फीलिंग नहीं आ रही, आपने एक किसी को देखा, आपकी उसके साथ सेक्सुअल अराउजल की बॉन्ड बनी, और सेक्सुअल अराउजल की बॉन्ड बनने के बाद आपने कमिटमेंट कर ली कि हम इस रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाते हैं। यानी आप इसको ऐसे ले लें कि एक बहुत ही प्यासा इंसान है, उसकी शादी नहीं हो रही और अचानक से उसकी शादी हो गई किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ उसने सेक्सुअल बॉन्ड भी बना लिया, और सेक्सुअल बॉन्ड बनाने के बाद अब वो कमिटमेंट की फीलिंग वहाँ पे शो कर रहा है, मैंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है। यानी इसकी सिंपल एग्जांपल है कि ब्रीफ या इम्पल्सिव मैरिज, यानी जो कि अचानक दूसरों की रजामंदी से शादी हो जाए, ठीक है। नंबर 7, कंज्यूमेट लव। दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ लव एंड इट फीचर्स इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। अब ये जो एक तरह का लव है इसमें तीनों ही फीलिंग्स होती हैं, यानी इंटीमेसी की यानी क्लोजनेस भी है, पैशन भी है और कमिटमेंट भी है। स्टेनबर्ग का कहना है कि मोस्टली इस तरह के लव में या इस तरह की फीलिंग्स में इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट रहते तो तीन ही हैं, लेकिन जो पैशन की फीलिंग है यानी अट्रैक्शन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। इसीलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम कंज्यूमेट लव कंपेनिएट लव में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ लव की फीलिंग्स होती है। अब स्टेनबर्ग का कहना एक और ये भी है कि ड्यूरिंग लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग यही जो तीन कंपोनेंट हैं, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट, ये फीलिंग्स होती हैं, ये एक दूसरे के साथ शिफ्ट होती रहती है। अगर हम लव के एक बॉन्ड में अगर हम किसी से प्यार करते हैं कि अगर हम इन तीनों जो है कंपोनेंट्स को अच्छे से जान ले, तो कपल्स को, मोस्टली जो कपल्स होते हैं उनको ये आइडिया हो जाता है कि अब हमारा बॉन्ड किस हद तक का है, हमें किस चीज़ की अभी रिक्वायरमेंट है, आया हमें क्लोजनेस की रिक्वायरमेंट है, आया हमें सेक्सुअल अराउजल की रिक्वायरमेंट है, या हमने एक दूसरे के साथ लॉयल फीलिंग्स यानी कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इन चीज़ों को जान ले तो हम अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, और हमें इस हद तक भी मालूम हो जाएगा कि आया अब हमें इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए या इस रिलेशनशिप को फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई होप कि लव की ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन कंपोनेंट्स है, पैशन, इंटीमेसी और कमिटमेंट, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।